दो तीन सवाल आज जन्म लेते हैं इस पूरी जन्म 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 लेते हैं। ये होता है जब आप बहुत ज्यादा भाई हमारे असल में जो हमारे व्यूअर्स है ना वो ये कहते हैं कि भाई आपने उर्दू में बात करनी है। हाँ, तो उर्दू में ही करें आप। तो उर्दू जन्म उर्दू का लफ्ज है ना, क्या हो गया? जन्म हाँ, पैदा होता है। बहुत सारे सवाल की पैदाइश होती है। पहला सवाल ये कि एज एन एक्टर हैव यू बीन क्रेविंग अ रोल लाइक दिस जो सीरियस हो, कॉमेडी ना हो? यार ऑब्वियसली बात है, इट्स अ गुड चेंज ऑफ पेस कॉमेडी से। आप मतलब कॉमेडी समथिंग दैट आई एंजॉय, आई लव डूइंग इट। एक वो चीज़ आपको नेचुरल आती है, मगर जब आप सीरियस करते हैं तो आपको चैलेंजिंग होता है आपके लिए। थोड़ा सा बोरिंग भी होता है, बिकॉज एक कॉमेडी और बीइंग अ कॉमेडियन आपकी टेम्पो बहुत फास्ट होती है। सो व्हेन यू हैव टू डायल इट डाउन बिल्कुल एक ड्रामा पेस पे, तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग और बोरिंग लगता है कि यार ये क्या है। मगर ऑब्वियसली बात है, उसके अपने चैलेंजेस होते हैं और डायलॉग डिलीवरी, इमोशन होल्ड करना, तो इट वाज अ चैलेंज फॉर मी। मुझे याद है मेरी आपकी बात हुई थी, आपने कहा था यार बड़ी मुश्किल हो रही है मुझे बैठना। मुश्किल होती है होती है, क्योंकि आपको एक चुप करके अब आपने एक एक्सप्रेशन होल्ड करना है और आपने अगले की बात उस तरह सुननी है। सो यस, इट कैन बी चैलेंजिंग। तो बट आई हैड रियल फन बिकॉज द कैरेक्टर बड़ा मज़ेदार लिखा गया, और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा ही इसमें आया था कि यार मैं इस चीज़ को किस तरह कर सकता हूँ कि लोग कहें कि हाँ यार अच्छा काम किया इसने। तो मैंने तो पूरी कोशिश की है कि इस कैरेक्टर को जस्टिफाई करें, बट इकरा ने बहुत अच्छा काम किया इसमें, स्पेशली बिकॉज मेरे सारे सीन्स हैं उसके साथ। सो ये बहुत मैटर करता है कि आपके सामने कौन है, तो वो जो एक दूसरे से बाउंस ऑफ करना होता है, आई थिंक शी इज़ फैंटास्टिक एक्ट्रेस एंड मुझे बड़ा मज़ा आया उसके साथ काम। ये आजकल एक दो ड्रामे चल रहे हैं जिसमें हस्बैंड बड़ा लविंग होता है, बड़ा प्यार करते हैं। अच्छी बात है ना, मतलब बड़े हो गए हैं 20 साल से 40 साल से, बल्कि हम औरतों को दिखा रहे हैं मजलूम है और ये वो, और बीवी जो है वो शरारतें कर रही हैं। तो अब जरा एक दो अगर ड्रामे आ रहे हैं जिसमें मर्द बेचारे मजलूम हो रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। इट्स एंटरटेनमेंट, टेक इट एज एंटरटेनमेंट। एक बड़ा मशहूर आजकल ड्रामा आ रहा है, उसका नाम है मेरे पास तुम हो। आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं हुमायूं सईद, उस ड्रामे में मेरे उस्ताद भी हैं यार वो, बड़ा मतलब मैंने बड़ा कुछ उनसे सीखा भी है, मगर मेरे पास तुम हो इज फेनोमेनल। वो देख रहे हैं दानिश का कैरेक्टर। आप वी सीन योर ट्वीट्स आल्सो, आप इंस्टाग्राम पे प्रेज भी बड़ा करते रहते हैं, आप फीडबैक भी देते रहते हैं, अपना तारीफ भी करते रहते हैं। तो दानिश और इन भाई का क्या नाम है आपके कैरेक्टर का? नासिर। दानिश और नासिर में कोई सिमिलैरिटी? हाँ, ये नासिर के बाद 2% से थोड़े ज्यादा पैसे हैं। नासिर थोड़ा सा बेहतर दिखाया, मगर आई थिंक सिमिलैरिटी ये है कि बोथ लव देयर वाइफ, कि वो जो दिखाया है कि एक हस्बैंड, एक अच्छा हस्बैंड होता है, एक शौहर मतलब किस तरह अपनी बीवी के लिए क्या क्या करने के लिए तैयार है, दोनों में ये सिमिलैरिटीज़ हैं, मगर दोनों के सर्कमस्टांसिस बहुत अलग हैं और दोनों की सिचुएशंस बहुत अलग हैं। सो ये सिमिलैरिटी है। तो दोनों की बीवियाँ कितनी फ़र्क हैं? बहुत नहीं 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 बीवियाँ तो बहुत फ़र्क हैं, इसमें कोई अदनान नहीं आता। खाली झूठ, इसमें कोई शाहवार नहीं है। शायद आई डोंट नो, मैं इसमें कुछ एपिसोड्स तक हूँ, उसके बाद नहीं। मैं हमें तो लगा था यासिर इज आल्सो पार्ट ऑफ द ड्रामा। यासिर है ना? हाँ, मगर यासिर मेरे बाहर यासिर तो सही, मगर वो मेरे होते हुए नहीं आता। वो इसका क्या मतलब मेरे होते हुए नहीं आता? आप पूरे ड्रामे के नहीं है एंड में? मैं हर चीज तो नहीं आपको बता, आपने बता दी कि मैं क्या पता कि कोई ट्रेजेडी हो जाती और वो। अब हम झूठी के सेट पे हैं तो हम यकीन भी नहीं कर सकते कि क्या बात। किसने कहा आपको यासिर है? वो तो हमने झूठ बोला था सर, वो तो तस्वीरें उन्होंने लगाई है ना। तो वो तो मिलने आया हुआ था सेट पे सर रोज। हाँ चलो हो भी सकता है वैसे, भाई वो लविंग हस्बैंड है, वो क्यों नहीं आएगा? ऑलमोस्ट मुझे फैट मैन 3 महीने पहले ऑफर की थी, मगर उस वक्त हमारी पहली एक बात हुई थी, इनिशियल एक हमारी मीटिंग हुई थी। उस वक्त नबील ने कहा था मैं इस तरह की एक चीज़ बना रहा हूँ, तो क्या आपके पास डेट्स हैं? मैंने कहा हाँ हैं, क्यों नहीं है? तो उसने कहा कि अच्छा, ये हम लोग उस टाइम, उसके बाद फिर हम लोग मिले, हम बैठे और जब उसने मुझे स्टोरी सुनाई तो आई वॉज जस्ट ब्लोन अवे, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है कि आई थिंक रंगीला साहब के टाइम पे उनके अर्ली काम में, जब उन्होंने इंसान और गदा बनाई थी, रंगीला फिल्म बनाई थी। सो ये एक ऐसी कहानी है कि जो आपको बहुत ही पर्सनल और आपको बहुत ही सोशल लेवल पे जाके हिट करती हैं। तो आज के दौर में एक ऐसी फिल्म बनाना विच इज़ बेस्ड ऑन बॉडी शेमिंग, आई थिंक बड़ी बात है। और इस तरह उसने कहा कि मैंने आपको लीड लेना है, तो आई वॉज लाइक It'll be an honor to work with him. Are you actually playing a superhero in that film? वो मैं आपको बता नहीं सकता। अब देखें हर चीज़ अगर मैं तो अंदाज़ देंगे तो फिर मतलब फिल्म थोड़ा बता। मैं क्या कह रहा हूँ? ज़ाहिरी बात है, नाम ही उसका फैट मैन है, तो क्या हो सकता है उसमें?
वो तो फिर इस तरह की बहुत सारी फिल्में आई हैं जिनमें मैन होता है लेकिन असल में हीरो सुपर हीरो नहीं होता। सर देखें मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूँ ही इज अ सुपर हीरो विद अ डिफरेंस। ओए 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 और उसमें क्या क्या होना है बट इट्स बेस्ड ऑन अ फादर एंड सन रिलेशनशिप। अच्छा मेन जो उसका एम्फेसिस है वो फादर यू बीइंग द सन और द फादर आई एम बीइंग द ग्रैंडसन छोटा सन। ये वाली हम कब फिल्म देख सकते हैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं? या वी स्टार्ट फिल्मिंग इंशाल्लाह इफ ऑल एवरीथिंग गोज टू प्लान तो इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट फिल्मिंग इन फेब और फिर उसका रिलीज डेट आई थिंक नबील एंड फिजा आर आप उनसे बात करें तो ज्यादा बताएंगे वो कास्ट भी जो बाकी है वो ही बता सकता है। अच्छा एक सवाल और मैंने आपसे पूछना था मूविंग ऑन फोकस ड्रामों की तरफ कुछ और होगा कोई और प्लान है आपका एक दुक्का और ड्रामा करने का या नहीं, फिल्में फुल तो फुल थ्रॉटल अभी ड्रामे के बाद फिल्में करनी है और उसके बाद फिर अपनी करनी है वो आपको मैं जल्दी बताऊंगा। फिल्म ना फिल्म हाँ वो आपने मुझे थोड़ी बहुत इंशाल्लाह वो जल्दी बताऊंगा वो तो हम कुछ नहीं रिवील कर सकते नहीं वो नहीं कास्ट के बारे में भी नहीं हिंट दे सकते कुछ भी नहीं कोई एक कुछ भी नहीं सबर ठीक है जाते जाते फैंस के लिए कुछ मैसेज।